रोज विलन का रोल कर रहे हैं लेकिन बहुत ही सेचुरेशन मामला है अभिनय का मामला उत्कर्ष पे नहीं है हीरो कितना भी कर ले विलन के परफॉर्मेंस को उस लेवल तक नहीं पहुंचाएगा कहीं ना कहीं उसका हीरोइज्म का मामला पॉजिटिविटी उसमें दिख ही जाएगी सिनेमा ने पैकेजिंग का रूप ले लिया है कि ये 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 मैटर हो ये, ये हमारे पास ये हीरो इस तरह का स्क्रिप्ट चाहिए हमारे पास ऐसा कुछ हो ऐसा हो नहीं हीरो चाहता है कि थोड़ा सा इस कैरेक्टर का शेड निगेटिव हो तो ऐसा कर दो तो वैसा कर दिया जाता तो इस तरह से फिल्में बनेंगी अगर तो फिर फिल्मों की आत्मा नहीं होगी नमस्कार मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं लल्ल टॉप सिनेमा नब्बे के दशक में अगर आप बड़े हो रहे थे और टेलीविजन देख रहे थे तो उस वक्त टीवी पर एक ऐसा सीरियल आता था जिसके शुरू होने से पहले ही हम सब अपने कामकाज निपटा लिया करते थे पढ़ाई पूरी कर लिया करते थे होमवर्क कंप्लीट कर लिया करते थे क्योंकि उसका गाना तक हम मिस नहीं करना चाहते थे वो सीरियल था चंद्रकांता और उस सीरियल का एक किरदार था जो कि था तो विलन लेकिन वो हम सब बचपन की यादों का एक अहम हिस्सा है अलग अलग तरीके से यकू कहा करता था क्रूर सिंह का वो किरदार था और उस किरदार को पर्दे पर उकेरा था कमाल के अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा जी ने जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है एक और फिल्म है एक चालीस की लास्ट लोकल इसमें इंस्पेक्टर मालवंकर एकदम यथा यथा धरती पर पाप बड़ा कहते हुए एंट्री लेते हैं गुंडों को मारते हैं और उस किरदार को निभाने वाले अशोक समर्थ जी भी आज हमारे साथ स्टूडियो में दोनों का स्वागत करेंगे वेलकम टू ललन टॉप सर आप दोनों की फिल्म आ रही है साथ में सिक्स नाइन फाइव सिक्स नाइन फाइव करेक्ट क्या है वो फिल्म सबसे पहले तो उसके बारे में बताइए क्या है उसकी कहानी आपका किरदार अच्छा फाइव छ दिसंबर यानी वो मस्जिद का ढांचा गिराया गया था नौ नवंबर यानी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आदेश पहुंचा था हम तक और पाँच अगस्त भूमि पूजन हुआ था ये कनेक्शन है तीन तारीखों का और इस फिल्म के अंदर जो मेरा किरदार है वो महंत परम पूजादरणीय रामचंद्र दास जी का किरदार मैंने निभाया उनसे प्रेरित मेरा कैरेक्टर है और उनका नाम है रघुनंदन जो हमारे सनातन हिंदू धर्म की जो एक रचना है पिछले 500 वर्षों से जो चली आई है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला ये मेरा किरदार जिसका कनेक्शन आज के वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ है जो 2024 के 22 जनवरी के राम लल्ला के प्रतिष्ठाना के साथ उसका कनेक्शन पहुंच जाता है तो सनातन हिंदू धर्म की परिपक्व व्याख्या अगर किन लोगों ने की है तो हमारे संत परम महात्मा लोग थे संतों ने की है कहीं ना कहीं इन सच्चाई मतलब ये जो सच्चाई है हिंदू धर्म की व्याख्या की जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं आज के युवा पीढ़ी के थॉट प्रोसेस में मिसिंग है जिसका जवाब हमारे संतों ने दिया हुआ है उनको उनके विचारों को हमें आगे ले जाना है तो फिर ये सिक्स नाइन फाइव जो हमारी फिल्म है वो देखना बहुत ज़रूरी है ये किसी दुर्घटना के बारे में भाषण नहीं करती ये किसी को अब, Uh, किसी को प्रमोट करने के लिए भाषण नहीं करती ये फिल्म अपने आप हमारे हिंदी संस्कृति हमारे सभ्यता हमारे संस्कृति के बारे में उजागर करने की कोशिश करते हैं और मेरे जीवन का कमर्शियल सिनेमा में बहुत सारा काम हमने किया करते हैं करते रहेंगे लेकिन जीवन में कार्यकाल में कई बार ऐसे किरदार निभाने का मौका हमें मिल जाता है कि वो करियरिस्टिक बदलाव तो हमारे जीवन में लाता ही है लेकिन एक इंसान के नाते भी हमें वो बदलने का एक मौका देता है ऐसे विचारों से हम प्रेरित हो जाते हैं तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली खुद को समझता हूँ कि मुझे यह मुख्य भूमिका वाला एक किरदार मुझे निभाने का मौका मिला है इस बात की खुशी मुझे ज़्यादा है जी जी आपका क्या किरदार है सिक्स नाइन फाइव जो फिल्म है उसमें मेरा जो किरदार है वो मथुरा के एक महंत हैं जिनका नाम है कृष्णदास और वो भी अपना पूरा संत मंडल को लेकर कार्य सेवा के लिए पहुँचे हैं अयोध्या और हर सभा में उनका ये डिमांड होता है कि राम मंदिर के साथ साथ काशी और मथुरा की भी बात हो वहाँ भी आक्रांताओं ने आक्रमण किया था और मंदिरों को ध्वस्त किया था तो ये बार बार ये उनका एक विचार है कि ये भी रखा जाए ये प्रस्ताव बार बार हर सभा में ये प्रस्ताव रखते हैं और फाइनली वो किरदार जो है जो दिगंबर मठ है जहाँ पे हज़ारों की संख्या में तत्कालीन सरकार ने गोलियों से कार सेवकों को भुनवा दिया था वहाँ वहीं पे हमने ये शूट किया दिगंबर मठ पे और वहाँ के जो ए, रहिवासी हैं जो रहने वाले लोग हैं उनसे जब हमने कहानियाँ सुनी वहाँ की तो उस मार्विक दृश्य को प्रतिबिंबित करते हुए जो हम हमारा हृदय आह्लादित हो रहा था जो जिस तरह से हम भाव विभोर हो रहे थे और फिर उसी सीन को जो गोलीबारी हुई थी उसी सीन को हम रिक्रिएट कर रहे थे तो ये एक अलग अनुभूति थी हम लोगों के लिए तो मेहनत का किरदार आप निभा रहे हैं लेकिन आपने अपने करियर की शुरुआत की थी विलन के किरदार से और थोड़ा काफ़ी पीछे की बात है आठवीं कक्षा में आप थे गौना की रात नाम का भोजपुरी नाटक आपका पहला एक्टिंग okay. okay. के साथ परिचय okay. इसे हम कह सकते हैं फिर वो कोशिश शुरू हुई कि सप्पू पिताजी तक ये बात कैसे पहुंचाए कभी ये से कह देता था सप्पू कभी किताबों से कह देता था कि पिताजी को कह दो कि सप्पू को एक्टर बनना है कैसे वो आठवीं क्लास के बच्चे का इंट्रोडक्शन हुआ एक्टिंग से नाटक से कैसे वो शुरुआत हुई और उसके बाद आप मुंबई कैसे पहुंचे ये तो बहुत लंबी कहानी है लेकिन मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ हम गांव गए और दशहरा की छुट्टियों में एक लंबी छुट्टी होती थी दशहरा की और दुर्गा पूजा में हर साल गांव में दो नाटक करने का जो परंपरा रहा एक भोजपुरी और एक हिंदी क्योंकि पिताजी सरकारी नौकरी में थे तो वो हम अलग अलग जगह ट्रांसफ़र होता था उनका तो हम अलग अलग जगह रहते थे और गांव जाते थे छुट्टियों में तो उ, उस साल ये जो दो नाटक होता था हो रहा था उस साल गौना के रात एक भोजपुरी नाटक था जो बाल विवाह पे आधारित था और उनको जो लड़का चाहिए था वो बहुत ही बच्चा ही चाहिए था और मैं आठवीं क्लास में पढ़ता था हाँ. और मेरे जो चचेरे भाई हैं मेरे अपने भाई हैं जो सारे लोग जो गांव में थे और भी गांव के सारे लोग ये हाँ. सब भी रिहर्सल जाते थे सारे लड़के और स्कूल पे रिहर्सल होती थी लालटेन लेके जाते थे चूँकि हाँ. इलेक्ट्रिसिटी तब नहीं था गाँव में और एक एक लालटेन हर घर से जाता था तो बहुत सारी रोशनी हो जाती थी और हम लोग उसमें रिहर्सल करते थे तो मैं भी अपने भाइयों के साथ चचेरा भाइयों के सबके साथ गया और डायरेक्टर तो ने मुझे देखा और उन्होंने मेरे भैया से पूछा कि ये रोल करी है का भोजपुरी में अच्छा। तो मैंने मैंने ये बात सुनी तो मेरे मन में लड्डू फूटने लगे तो भैया ने कहा कि इसी से पूछ लीजिए एक से पूछ ली तो फिर वो रोल मुझे मिल गया और फिर मैं दूसरे ही दिन पूरे स्क्रिप्ट को याद करके क्योंकि वो तो उम्र जो होती है वो तो याद करने वाली उम्र तो पूरे स्क्रिप्ट को मैंने पूरे अपने रोल को अपने पार्ट को आ, याद करके मैं खड़ा हो गया रिहर्सल में तो डायरेक्टर साहब बहुत खुश हुए और वो नाटक हुआ और फिर वहाँ से वो लत लग गया हर साल गांव जाके दो नाटक करना है फिर ऐसा हुआ कि बाद में वो जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और एक साल नाटक नहीं होने स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं होने के कारण मुझे नाटक लिखना पड़ा एक और वो मैं दिन भर में एक नाटक लिखा उसको डायरेक्ट किया एक्ट किया और अपने सब भाइयों से और गांव के जितने मंडली थी उस सबके साथ वो नाटक किया मैंने तो इस तरह से गांव में नाटक होता था जबकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी थिएटर का वो चस्का गाँव में मैं ये बात बता रहा हूँ आपको सत्तर के आखिर की बात बता रहा हूँ ये सेवेंटी सिक्स सेवनटी सेवन सेवनटी एट सेवन एटी एटी वन एटी टू हॉबी भी नहीं हाँ, सीरियसली लिया जाता थ्री हाँ, में तो हमने बिहार छोड़ दिया छोड़ था। दिया था जी तो वो uh, थिएटर का जो एक रवानगी था वो चलता रहा उसके बाद हम पटना में आके एक दो प्ले किया हमने जब हम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद फिर जब इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो फाइनली हम इस तरफ आए लेकिन वही था कि अस्सी का दशक ब्राह्मण परिवार बिहार hmm. कैसे कोई लड़का कह सकता है कि एक्टर बनना है नाटक करना है सिनेमा में काम hmm. करना है तो वो वो मानसिकता जो आज माता पिता की है वो मानसिकता hmm. नहीं थी एक परंपरा रही है कि पहला बेटा कलेक्टर बने दूसरा एसपी बने।, hmm. बने या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने तो ये एक परंपरा थी मेरे हिस्से इंजीनियरिंग का आया था वो हो नहीं पाया और माताजी को मैं बोलता था तो माता जी कहती थी कि इंजीनियर इंजीनियर बने नहीं तो मैं एक्टर बनोगे तो वो ये सारी बातें हुई और उसके बाद जब पिताजी तक बात पहुंची किसी तरह से बहुत उसके लिए हमने पंखे को भी बोला पिताजी के बिस्तर के तकिए को भी बोला कि पिताजी जैसे सर रखेंगे वैसे ही बोल देना कि मुझे एक्टर बनना है तो इस तरह की चीज़ें होती थी पिताजी को जब पता चला तो बहुत आसान हो गई बात उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी किसी बच्चे को रोका नहीं कि किसको क्या करना है क्योंकि हम छह भाई और चार बहने हम मैं दसवां संतान था सबसे छोटा उन्होंने कहा मैंने कभी किसी को नहीं रोका जिसको जो करना अगर वो कर सकता है तो करे अगर उसको लगता है कि वो कर सकता है तो करे अब उसके बाद तो हमारे पर निकल आया हम तो उड़ने लगे उसके बाद सचमुच उड़ लिया हम अशोक जी कल जब हम बता रहे थे ना न्यूज़ रूम में कि आप वाले हैं तो सबसे ज्यादा जो रिकॉल वैल्यू जिस आपके किरदार का था इंस्पेक्टर मालवंकर जो किरदार था उसका था यथा यथा धरती पर पा, बड़ा पाप वो जो आप डायलॉग मार के एंट्री लेते हैं वो सीन सबको आज भी याद है तो वो एक पहचान बन गई लेकिन आपका सफर कैसे शुरू हुआ कैसे आप मुंबई पहुँचे मैं आ, बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ और आ, गाव कस्बा जिसे कहते वैसे आज भी मेरे गाँव में तीस बत्तीस घर होंगे और एक दूसरे के घर जाने का जो हमारा बीच का रास्ता था तो जो खेती का जो बांध होते हैं वो बांध हमारा रास्ता तो ऐसे एक गाँव से मैं निकल के आया हूँ और ये बचपन से मेरा ये सपना रहा जैसे कि हमारे फिल्म के अंदर अरुण सर है अरुण गोविल जी है दूसरों के घर में जाके टीवी पर रामायण सीरियल देखना तो पता नहीं मतलब एक तो एक तो हमारे हालात इतने ख़राब थे कि वो हम सपना भी नहीं ऐसा कुछ देख सकते थे इतना पिछड़ा हुआ गाँव हमारा तो जैसे वहां से मैं करियर करने के लिए बहुत सारे शहरों में भागा कोल्हापुर चला गया आपको अच्छा, आपको एक्टर एक्टर ही ही बनना बनना था 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 मुझे मेरा मेरा माइंड मेरा माइंड इतना सेट था क्योंकि हालात ने इतना मजबूर कर दिया था कि तो कहते ना कि मायापुरी में तब पढ़ा करते थे कि मतलब यही एक ऐसे नगर है पे पैसा वैसा हाँ, बहुत मिलता है ओके okay, फिर बड़े बड़े स्टार्स धर्म जी हो या बच्चन साहब उनके इंटरव्यूज उसमें आर्टिकल छप के आते थे वगैरह ऐसे एक उस एज के हिसाब से जो एक लुभाने वाली चीज़ें थी वो भी हमारे साथ हो गई लेकिन वहाँ से जब आ, मैं हकीकत बताता हूँ कि मुझे मेरा गांव छोड़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने मम्मी से मांगा पिताजी तो हमारे शराबी जुआरी थे तो वो तो कोई उनका सपोर्ट था नहीं और छोटी सी फैमिली हमारी लेकिन जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था उस स्कूल में मैंने कथा कथन का कार्यक्रम करके एक चिल्लर इकट्ठा हुई थी वो नब्बे रुपीस पचास पैसे के आसपास थी वो रुमाल में बांध के मैं अपने गांव से भागा था पुणे आया वो खर्च होने में कोई ज़्यादा मतलब फटाक से यूँ ही चले जाती वो अमाउंट लेकिन वापसी सफर मेरे लिए इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने बड़ी चैलेंज करके आया था कि अब जो वापस आऊँगा तो मैं एक्टर बन के आऊँगा मैं मुवी दिखाऊँगा नहीं ये जो थाट प्रोसेस थी और वाकई जाके करूँ क्या मन ही मन यह द्वंद्व चल रहा था कि मुझे तो ये करना है लेकिन तो फिर मैंने होटल में वेटर की नौकरी एक्सेप्ट की पूना में रविराज होटल उसका नाम है तो कि एटलीस्ट कुछ खान पान की तो व्यवस्था हो जाए तो ये करते 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 थोड़ा सा अपने परिवार के परिवार को छोड़कर जब अलग रहना शुरू किया फुटपाथी जीवन हमने देखा सुलभ शौचालय में जाकर हमने नहाया कपड़े वहीं पे धोए रात में वहीं पे सुखाए नेक्स्ट डे वहीं हम पहने ये ज़िंदगी के साथ जिस तरीके से मुकाबला होना शुरू हुआ तब पता चला कि भाई ये बहुत मुश्किल चीज़ है मतलब ये जीना बहुत मुश्किल है हम तो सपना लेके आए तो फिर जॉब करना चाहिए पार्ट टाइमिंग जॉब किया वेटर की नौकरी की मुझे टिप भी मिलती थी साढ़े तीन सौ चार सौ रुपये मुझे महीना उस ने तनख्वाह मिलता था और टिप मिला के छः सौ सात सौ मुझे हो जाते थे तो फिर फुटपाथ पे सोना मेरा बंद हो गया तो मैं आ गया फिर कॉड बेस पद्धति से जो रहते हैं महाराष्ट्र में तो वो लेकिन ये मेरी ज़िंदगी नहीं थी मेरे सपने कुछ और थे तो जाऊं तो कहाँ जाऊं सबसे पहली बा... मेरे लिए बुरी बात ये थी कि मैं ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता हूं तो मेरी भाषा मराठी जो मेरी लैंग्वेज थी वो बड़ी अशुद्ध लैंग्वेज थी और शुद्ध लेखन में मुझे हंड्रेड में से नाइन्टी नाइन परसेंट मुझे मार्क्स मिलते थे लेकिन जो बोली जुबान थी मेरी वो बात करते समय अशुद्ध बोलता था तो महाराष्ट्र की एक परम्परा है कि शब्दों का साफ सुथरापन जो होता है अगर आपकी लैंग्वेज पर कमांड नहीं तो आप वसंत कानेटकर हो या गडकरी हो वैसे बड़े बड़े दिग्गजों के प्ले आप कैसे कर पाओगे तो सबसे शुरुआत तो मेरी लैंग्वेज से हुई तो फिर मैंने अपनी लैंग्वेज को मैंने दुरुस्त किया और फिर कहीं मुझे मौका नहीं मिल रहा था तो मैं वहाँ से फिर मुंबई शिफ्ट हो गया मुंबई चला से पुणे से मुंबई आ गया और शॉप ट्राई कर रहे थे लगातार बहुत सारा बहुत सारा इधर पे ऑडिशन थिएटर में जाके दो डायलॉग बोल के दिखा दो ये सब, सब वो सब अभी अभी ऑडिशन का एक जमाना आ गया उस दौरान भी ऑडिशन हुआ करती थी बट वो लाइव ऑडिशन अभी कैमरे में शूट होती है वहां पे डायरेक्ट के सामने करके दिखाना पड़ता था ये वाली प्रोसेस थी लेकिन मुंबई आने के बाद भी फिर वही मेरा जीने का वो तरीका था कि वहाँ पर भी कोई ना घर ना द्वार ना कुछ एक रिश्तेदार थे उनके पास रहो तो कितने दिनों एक दो दो तीन साल साल उनके साथ रहा बाद में पता चला कि हम तो मुंबई जैसे शहर में किसी गेस्ट के घर में रहना ये भी बोझ बनने वाली बात है फिर फुटपाथ और फाइनली आमदार एम हॉस्टल में मुझे रहने की जगह मिली जो आज के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जो है वहाँ के उनका वो एम थे तो उनका एक कमरा था एम एल में तो वहाँ पर मुझे रहने का मौका मिला अब वो रहने की व्यवस्था तो मेरी हो गई लेकिन ऐसे ही खाली पीड़ जिंदगी ऐसे चल रही थी फिर वहाँ पर भी जॉब करने की कोशिश की लेकिन धीरे धीरे ये नाटक की तरफ जो मैं बढ़ाओ जो मेरा एक रुझान जो मेरे मन में था तो मैं दादर के शिवाजी मंदिर में जा फुटपाथ पे खड़ा रहता था कि कोई पहचान हो जाए इनसे बात करो ये करो वह करो तो धीरे धीरे में लोगों से मेरी मुलाकात होने लगी लेकिन मौका कम से कम छः सात साल तो मुझे मौका नहीं मिला लेकिन जब मौका मिला तो फर्स्ट प्ले जो मैंने किया वो रणांगण करके मेरा फर्स्ट प्ले था और कमर्शियल प्ले था जिसके डायरेक्टर हमारे वामन केन्द्र साहब थे जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बीच में मुख्य रह चुके हो जब उनके ऑडिशन के लिए पहुंचा बड़ा जुनून था वो एक पैराग्राफ उन्होंने पढ़ने के लिए दिया जिद लेके चला गया था और मैंने बोल दिया बोल दिया तो उनको मेरी साउंड क्वालिटी वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी लगी कितने पड़े हो बोला सर ऐसा ऐसा है कितना नाटक किया इससे पहले कुछ नहीं पहला प्ले मेरा अशोक मेरे कैरेक्टर के लिए मेरा कैरेक्टर था अहमद शाह अब्दाली पानीपत का जो मुख्य था लेकिन उसके लिए तुम लैंग्वेज का क्या करोगे कैसे करोगे फिर बात आ गई उर्दू लहजे की पुश्तु जो अफगानी शब्दों की मैंने बोला सर मैं प्रयास करूँगा तो उन्होंने बोला कि नॉवेल पढ़ी है बोले हाँ पढ़ लो फर्स्ट डे से लेके 20-25 दिन तक मैं लगातार रिहर्सल के जा रहा था लेकिन वो मुझे कहते थे कि मैंने तुम्हारा कास्टिंग किया नहीं है क्योंकि मैं जो अब्दाली चाहता हूँ मुझे तुमसे नहीं मिल रहा है अच्छा। और एक दिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो एक लाइन में ही छुपा हुआ है जो तुम फर्स्ट टाइम स्टेज पर आकर बोलते हो ये बात मेरे समझ में आने में बहुत समय लगा कि उसमें एक मेरा डायलॉग था कि वजीर अजम हिंदुस्तान के मट्टी में आकर हमें कितना बकत हुआ तो वो जवाब देता है कि वजीर अजम तकरीबन एक बरस तो मैं बोलता हूँ कि एक बरस एक मरतबा एक मरतबा हम मुनाफे को नज़रअंदाज कर सकते हैं लेकिन कुछ सुकून तो हाथ लगे ये एक स्टेटमेंट में तुम्हारा अब्दाली छुपा हुआ है ये समझाने के लिए मेरे रातें गुजरने लगी रात के तीन तीन बजे मैं डायरेक्टर को फोन करता था कि सर मैं स... क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कुछ नहीं था नहीं। मैंने रात के तीन तीन बजे वामन केंद्रे साहब को फोन किया उनको कहा क्योंकि अब यहां से घर वापसी असंभव यह मुश्किल था लेकिन सत्ताईस सत्ताई 28 दिन के बाद प्रोड्यूसर साहब ने आके कंधे पे हाथ रखा और बोला कि अशोक तुम्हें कितने पैसे चाहिए तब जो मेरे आंखों से पानी बहने लगा जो आंसू आने लगे कि पैसा वैसा तो दूर की बात नहीं जा सकता और मराठी रंगमंच के ऊपर हिस्टोरिकल प्ले और बाद में मेरे जीवन में जो आपने श्लोक पढ़ा वो एक चालीस की लास्ट लोकल का था बाद में जीवन में रावड़े राठौड़ के राजने सिंघम आ गई मेरी और सिंघम ने पूरी तरह से मुझे जिसे कहते ना कि रातों रात जो स्टार होने वाली बात है वो अनुभव मैंने सिंघम से लिया और आज आपके सामने जो मैं बोल रहा हूँ मेरे जीवन का ये रघुनंदन यानी रामचंद्र दास परमहंस एक ऐसा किरदार है जिसने मेरी कम से कम छः सात दिन मेरी नींद उड़ाई थी क्योंकि रणांगन नाटक की रिहर्सल प्रोसेस जो मेरे लिए रही है वो प्रोसेस एज एन एक्टर मुझे ख़ुद को डेवलप करने के लिए और एज एन ह्यूमन भी इंसान अच्छा इंसान होने के ना, मतलब बनने के लिए एक सपोर्ट जो लिटरेचर का रहा डायरेक्टर के साथ का जुड़ाव रहा फिर बहुत सारी किताबें पढ़ना पढ़ना और तब जाके मेरी भाषा दुरुस्त हो गई लैंग्वेज पे कमांड आ गई और अब पता चलता है कि एक्टर बनना इतना आसान नहीं था केवल वो जुनून और वो एक जोश लेकर हम घर से बाहर निकलते हैं लेकिन सच्चाई के साथ सामना करने का जिगर अगर आपके पास नहीं है नहीं। तो फिर वो आप वो मुकाबला नहीं कर पाओगे ये बात तो है सर आपके दोनों के बीच में जो एक बहुत कॉमन चीज़ है दोनों के करियर में वो है थिएटर आपने खूब थिएटर किया है आपको पहला जो ब्रेक मिला था चंद्रकांता जो बड़ा आपका टीवी का ब्रेक था उसकी वजह भी एक नाटक ही था मोटे राम का सत्याग्रह काफ़ी काफ़ी वैसे काफ़ी नाटक हैं अच्छा तो हाँ। वो आ, मैं वो किस्सा आपसे जानना चाहती हूँ जब आपको क्रूर सिंह के लिए फ़ाइनल कर लिया गया सेट पर शूट का आपका पहला दिन शूट शुरू होने वाला है और आपने मीर्जा जी से एक बात कही और शूट रोक दिया गया एक साल तक के लिए शूटिंग नहीं हुई जबकि दस बारह दिन के लिए आपको साइन किया गया था और विलन का किरदार आपका था और दस बारह एपिसोड्स के लिए आप साइन हुए थे क्या बोल दिया था आपने ऐसा मीर्जा जी से मैं जब निर्जा जी से मिलने गया मुझे उनका मैसेज मिला कि हमारे एक मित्र हैं सुदेश बेरी वो हमारे साथ ही थिएटर करते थे और पृथ्वी थिएटर में हमारा शो चल रहा था मोटे राम का सत्याग्रह का छः बजे का शो खत्म हुआ था नौ बजे का शो शुरू होने वाला था उस बीच का जो आधे घंटे का गैप था उसमें बेरी आया उसने कहा कि अखिल तो स्टार हो गया मैंने कहा मैं स्टार हो गया कैसे स्टार हो गया कहा कि जब कोई किसी को ढूंढने लगे ना तो समझ ले वो स्टार हो गया तो मैंने कहा है कहा कि हाँ फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई किसी को ढूंढने लगे पूछने लगे उसके बारे में समझ ले उसका स्टार्टअप आ गया मैंने कहा ऐसा कौन पूछ रहा है मुझे हाँ। कौन ढूंढ रहा है बता हाँ। तो हम दोस्त के लहजे में ही बात कर रहे थे तो उसने कहा कि एक लेडी आई है निर्जा गुलरी नाम है कास्टिंग कर रही है दिल्ली से आई है और एन एफ डी सी गेस्ट हाउस में सांता क्रूज में ठहरी हुई है और उसने मुझे हीरो के लिए बुलाया था मैं तो मुझे तो फिल्म में ब्रेक मिल रहा है तो मैं नहीं कर रहा हूँ उसने तेरे तो बारे में पूछा और उसने कहा कि अखिलनंद मिश्रा को जानते हैं तो मैंने कहा हाँ तो हमारे साथ ही हैं तो कहा कि उनको प्लीज़ मेरा नंबर दीजिए और बोलिए आने के लिए तो ये नंबर है कल तू फ़ोन कर लेना तो मैंने नेक्स्ट डी फ़ोन किया सुबह सुबह उस दिन मैं एक प्ले कर रहा था चीना के हसीना Yeah. आ, ये राजा बुंदेला अतुल तिवारी सुस्मिता मुखर्जी ये लोग थे तो उनका उन्होंने एक नया ग्रुप तैयार किया था तो मैं भी उसमें एक रोल कर रहा था तो उसका ग्रैंड रिहर्सल था तो दिन भर रिहर्सल करेंगे हम जाएंगे कब तो हमने सुबह सुबह ही दस बजे फ़ोन किया रिहर्सल के पहले और हमने फ़ोन करके मैं फिर वहाँ पहुँचा yeah. मैंने कहा ज़्यादा देर रुकूँगा नहीं मैं उनके आदमी से बोला असिस्टेंट से कि मेरा रिहर्सल है ग्रैंड रिहर्सल तो मुझे मिलवा दीजिएगा मैं आ जाऊँगा कहा कि आ जाइए आ जाइए मैं गया तो गया तो निर्जा जी सामने बैठी हुई थी और मैं जब गया तो इसी तरह का वो कुछ एम्बियंस था और एक्टर ही एक्टर बैठे हुए हैं और एक से एक महारथी एक्टर बैठे हुए हैं इप्टा से लेके एन से लेके और सीनियर्स कई फिल्में और कई कर किए हुए लोग बैठे हुए हैं वहां पर तो मैं वहाँ गया तो मैं तो एक मिनट में झेप गया मैंने कहा कि ये तो सब मिलने के लिए बैठे हैं मैं आया हूँ मैं तो ये सोच के आया हूँ कि तुरंत मिलूंगा और तुरंत चला जाऊँगा ये तो बहुत अजीब सा हो गया तो मैंने पूछा कि अतुल कौन है तो पता चला वो है अतुल मैंने कहा कि अखिलंद मिश्रा अच्छा अखिलिंद मिश्रा जी बैठी 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 तो मैंने पूछा निरिजा बोले कहा कि वो जो बैठे हुए हैं वही हैं अपने एक्टरों से पूछा तो वो बोल ही नहीं रहा है जाकर उनको Hmm. मैंने कहा भाई आधा घंटा हो गया बैठे हुए तुम तो मतलब गड़बड़ कर दोगे मेरा रिहर्सल मैं फिर जा रहा हूँ कहा कि नहीं सर दो मिनट बैठी मैं दो मिनट नहीं दस मिनट हो गया फिर दोबारा पकड़ा उसको मैंने कहा एक बार जाके उनको खाली बोल दिया अखिलेश मिश्रा वो मना कर देंगे कोई बात नहीं मैं चला जाऊँगा मैं बाद में आ जाऊँगा तो उसने जाके मैं उसको देख रहा हूँ जाके उसने टेबल के इस तरफ से बोला और मैं उसका लिपसिंग देख रहा था अखिलेंद्र मिश्रा नाम लिया और उन्होंने पलटा वो पलट के और मुझे कह रही है अखिलेंद्र जैसे वो मुझे जानती हो और मुझे ऐसा महसूस है कोई अपना बुला रहा है और कहा कि इधर आइए मैं गया मैं उनके सामने बैठा उन्होंने पूछा चंद्रकांता पढ़ाया आपने मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं पढ़ा हूँ कहा कि नहीं पढ़े आप तो पहले एक्टर हैं जो बोल रहे हैं नहीं पढ़े हैं यहाँ तो सब एक्टर आके बोल रहे हैं चंद्रकांता पढ़े हैं मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाऊँ तो झूठ क्यों बोलूँ मैं नहीं पढ़ा क्या कि उसके बारे में सुना है जानते हैं मैंने कहा हाँ पिताजी से सुना है हमने और हिंदी सीखने के लिए लोगों ने चंद्रकांता पढ़ी थी चंद्रकांता हिंदी का पहला उपन्यास है और नौकर और मालिक एक साथ पढ़ते थे ये मुझे मालूम है दुकान बंद कर देते थे कि कोई ग्राहक आके डिस्टर्ब ना करे इतना रसीला उपन्यास है कहा कि हाँ उसी पे उस सीरियल बन रहा है तो आप एक रोल है विलन का आप करिएगा मैंने कहा हाँ करूँगा तो विलन का क्यों कीजिएगा हीरो का क्यों नहीं कीजिएगा तो मैंने कहा हीरो का दे दीजिए हीरो का कर लूँगा मैं तो एक्टर हूँ जो भी दी रोल दीजिएगा वो कर लूँगा तो हंसने लगी उन्होंने कहा कि नहीं आप ये विलन का कीजिए इसका नाम क्रूर सिंह है और क्रूर सिंह बारह एपिसोड का रोल है तो आप कीजिए ठीक है फिर अपने आदमी को बुलाया बोला कि इनका मेजरमेंट ले लो या पैसे की बात कर लो ऐसे हुआ अब मैं वहाँ आता हूँ जो प्रश्न था आपका कि जब शूटिंग शुरू हुई तो मेरा जो लुक था वो क्योंकि क्रूर सिंह विजयगढ़ के राजा जय सिंह जिनकी बेटी चंद्रकांता थी उनके दीवान थे कुपत सिंह दीवान का बेटा था और वो चंद्रकांता को चाहता था और चंद्रकांता नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह को चाहती थी तो वो एक रिफ्ट था वो था तो मेरा भी उन्होंने लुक एक प्रिंस की तरह दिया था बड़े अच्छे वेग लगे थे अच्छी सी मूँछे पतली सी ऐसा साइड लॉक घूम के जो आता है ऐतिहासिक उस तरह से और एकदम ग्लॉसी शेरवानी मोतियों का माला इस तरह का और मैं शूटिंग कर रहा था मैं बड़ा तैयार हो जाता था और मैं अपने गेटअप में जैसे आता था मैं ठूस हो, मतलब हो जाता था एकदम मतलब अजीब हो जाता था गेटअप में आते ही तो मैं बैठा हुआ था शूटिंग शुरू होने वाली थी मेरी शूटिंग हो भी गई एक दिन हुई दो दिन हुई तीन दिन हुई तो एक सीक्वेंस खत्म हुआ तो एक दिन उन्होंने बोला कि आप खुश नहीं है क्या अखिलेंद्र hmm. मुझे देखा उन्होंने इधर आइए इधर आइए क्या दिक्कत है बोला है बैठो भैया बैठिए बैठिए बैठा तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है ठीक है नहीं नहीं कोई बात है आप खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे मैंने कहा कि मैं मैं क्रूर सिंह नहीं लग रहा हूं तो कहा क्या <laughs> वो शौक हो गई कि क्या बोल रहा है आदमी कहा कि क्रूर सिंह नहीं दिख रहे मतलब मैंने कहा नहीं मेरा नाम क्रूर सिंह है मैं कर भी रहा हूं लेकिन दिख मैं दिख नहीं रहा हूं क्रूर सिंह नाम से एक अलग और बनता है एक रिफ्लेक्शन होता है चूंकि सिनेमा का मीडियम है तो उस तरह से प्रस्तुति होनी चाहिए तो मैं क्रूर नहीं दिख रहा हूं तो कहा कि क्या होना चाहिए मैंने कहा देखने से ही मैं क्रूर सिंह लगना चाहिए उसके बाद परफॉर्मेंस उसको लेके आएगा तो वो सोचने लगी उन्होंने मुंह में से फेर लिया इधर देखने लगी वो चुप रही हो अब मुझे लगा कि मैंने कुछ बोल दिया बोल। अब लगता है बहुत गड़बड़ होने वाला है अभी तो बहुत गंभीर हो गई है अभी पता नहीं क्या होगा और उन्होंने शूटिंग पैकअप कर दिया शूटिंग पैकअप हो गई और शूटिंग पैकअप होके मतलब ये लोग दिल्ली चले गए मुंबई से पूरा टीम पूरी टीम दिल्ली अब शूटिंग का कोई अता पता नहीं मैंने कल हो गए <laughs> मुझे लगता है निकाल दिया हो गया सब गड़बड़ हो गया और उसके बाद वो लोग लौटे लो 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 ये मैं 91 की बात बता रहा हूँ और वो लोग बैठे उसके बाद ए, ये 90 की बात बता रहा हूँ वो लोग फिर लौटे लो 91 वन नवम्बर में ए, egg, हाँ, और मुझे उन दिनों फोन तो होता नहीं था किसी के घर पे चूँकि रहने का ही ठिकाना नहीं था ये नाइन्टीज़ की बात बता रहा हूँ पंद्रह हज़ार का एम का फ़ोन मिलता था वो भी वी को मिलता था या किसी मिनिस्टर का लेटर हो या एम एल का लेटर हो तो मिलता था तो हम तो वैसे और पान का दुकान हो किराने का दुकान हो जनरल स्टोर हो पी बूथ हो वो हमारा मैसेज लिया करता था और मैसेज लेने का भी रिसीव करने का भी एक रुपया लेता था करने का भी एक रुपया लेने का भी एक रुपया तो मैसेज मिला कि ऐसे 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 गेटअप के लिए गेटअप में गया तो मैं गया तो पूरा गेटअप तैयार हुआ मेरा और मैं वो मुछे वो आईब्रोज वो, वो तब क्रूर सिंह मैं खड़ा हुआ मैं मिरर में देख रहा हूँ अपने आप को फुल लेंथ मिरर लगा हुआ था और मैं देख रहा हूँ अपने आप को और मैं फिर वो असिस्टेंट निर्जा जी के पास ले गई मैं उनके पास खड़ा हुआ उन्होंने देखा देख के हंसने लगी वो कहा अब आप खुश हैं ठीक है ना तो मैं कहा हाँ ठीक है हम चले आए फिर शूटिंग शुरू हुई तो सेट पे एक दिन उन्होंने बोला मुझसे कि अब तो आप बहुत खुश होंगे जैसा आप चाहते थे वैसा हुआ ना मैंने कहा लेकिन मेरा को पहचानेगा कौन मैं तो मैं तो चेहरा ढक गया।, गया मेरा मुँछे आई ब्रो दिए वो तो पता नहीं सरस्वती बैठी थी उनके जुबान पे या क्या कि उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आपको पहचानेगी आपकी आवाज से आप चिंता मत कीजिए आप सिर्फ करते जाइए जैसे कर रहे हैं और उसके बाद क्रूर क्रूर सिंह सिंह फिर शुरू हो गया जी आपने तकिया कलाम बना लिया एक ध्वनि को हाँ ये जो यक जो था हाँ। ये पहली बार हमने प्रयोग किया ये अभी तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ये प्रयोग नहीं हुआ था हमेशा तकिया कलाम या तो शब्द हुआ करते थे कि वार्तालाप में लगा हमेशा एक शब्द का प्रयोग करें या वाक्य होता था कि वार्तालाप में हमेशा एक बातचीत में वाक्य का प्रयोग करें कभी भी किसी साउंड का ध्वनि का प्रयोग नहीं हुआ था मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा था जब मुझे स्क्रिप्ट मिली तो उसमें बार बार जो कि एक्टर अपना सीन विजुअलाइज करता है कि मैं ऐसे एंट्री लूंगा ऐसे बात करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये ये मेरा ये स्पीच का क्लाइमेक्स बनेगा और मैं ऐसे एग्जिट लूंगा क्योंकि हर एक्टर अपना एंट्री सीन में और अपना एग्जिट बनाता है तो मैंने कहा कि ये और हर बार मैं वैसा कुछ करूं तो ये ध्वनि आए मतलब तो मैंने वो नोट कर लिया और पूरा नोट करके और मैं मिर्जा जी को जाके बोला कि मैं एक तकिया कलाम इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि तकिया कलाम उन्होंने पहले ऐसे आई ब्रोज सिकुड़ा लिए मुंह बना लिए तो मैंने कहा कि वैसा तकिया कलाम नहीं है तो क्या है मैंने कहा साउंड है एक ध्वनि है तो कहा क्या है मैंने कहा यक कहा यक का अर्थ जानते हैं आप क्या होता है मैंने कहा नहीं मैं नहीं जानता तो मैंने कहा कि पढ़ते हुए आया तो मैं बता रहा हूं आपको कहा कि यक का मतलब बहुत गंदा होता है तो कहा कि तो कै, कैसे क्या मतलब तो मैंने कहा देखिए मैं पूरे नौ रस में इसका प्रयोग करूंगा हास्य में अलग करूंगा रौद्र में अलग करूंगा वीर में अलग करूंगा करुण में अलग करूंगा श्रृंगार में अलग करूंगा मैंने कहा कि मैं इसको में अलग करूंगा मैंने कहा हर रस में मैं प्रयोग करूंगा इसका उस तरह से तो मैंने कहा मैं सीन करता हूं सीन करके दिखाता हूं आपको आप आप अप्रूव करेंगी तभी मैं इसको रखूंगा नहीं रखूंगा मैंने जब सीन किया शुरू किया तो हंसने लगी उन्होंने कहा और बस तीन चार दिन में फिर पूरे सेट पे एक्चुअली यहाँ सेट लगा था दो नंबर जो सबसे पुराना सेट था वो तड़ापा होता है लाइट मैन ऊपर चढ़े रहते हैं लाइट मारने के लिए वो सब मैं एंट्री लेता था सेट पे तो मेरे पाँव के कदम के अनुसार रिदम करते थे यक 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 तो वो वहीं पे पकड़ लिया था धीरे धीरे फिर ये सीरियल आते ही एक डेढ़ महीने में पूरे भारतवर्ष में यक यक्कू होने लगा फिर लगा बच्चों को बड़ा अच्छा लगा हाँ। तो यक्क को उन्होंने यक्कू बना दिया हाँ। कहने में आसान होता है साउंड ही यक्कू करता तो यकु है ना तो क्योंकि हाँ। वो मखीचता था यक्क तो वो यक्कू सुनाई देता है तो यक्कू तो साउंड होता है तो इस तरह से उसका जन्म हुआ करेक्ट है वो कई बार कई बार जैसे कि सिंघम में टॉकी पोर्शन के बीच में मैंने जैसे बॉडीली कुछ जेस्टर्स होते हैं अपोजिट तो वाले एक्टर को टॉर्चर करने के लिए या फिर हम कुछ आंख एक मार के चले जाते या कुछ भी साउंड करते मतलब डायलॉग बोलने के बाद अब तुम क्या करोगे तो ये सडनली कुछ चीजें ना कि ग्राफ को मेंटेन करते समय अचानक आपको अंदर से वो सिग्नल आते हैं और वो वर्क चीजें वर्क हो जाती है ये वाला जी मैं आने वाली थी सिंगम का आपका वो जो सीन है ना एफआईआर किसने फाड़ा वो बहुत वायरल है लोग उसको उसके कमेंट सेक्शन अगर आप जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा लोग कहते हैं कि विलन के किरदार को अलग ही लेवल पर लेकर गए आप जी, जी. तो जैसे आप ये इम्प्रोवाइजेशन की बात कर रहे हैं ना मैं समझना चाहूँगी कि आ, ये जब सीन्स आप ऐसे प्रिपेयर करते हैं जो वायरल हो जाते हैं और

जैसे सिंघम की भी अगर बात हम करें तो सोशल मीडिया उतना पावरफुल नहीं था और हम तो ऐसे इलाके से बिलोंग करते कि हमें तो ये सारे एक्टिव करना वो सब चलाना विलाना तो आता ही नहीं ना कोई वो कमर्शियल माइंड वैसा नहीं है कि एक पूरा पूरा होमवर्क करके ये सब कुछ करना हमारी जिम्मेदारी बस उतनी होती है कि भाई मुझे जो काम करने को मिल रहा है जो सीन मुझे मेरे हिस्से में आ रहा है हमारी ताकत वही होती है कि उसी से हमारी पहचान बन जाए क्योंकि हमारा कोई बैकड्रॉप नहीं है किसी का भी जैसे जो भी स्ट्रगल कर आते हैं तो इस इन सब लोगों की भूख शायद यही हो सकती है चाहे एक सीन मिले या दो सीन मिले या तीन सीन मिले वो अपना काम कितने सही तरीके से करे तो मेरे लिए तो वो कोई आपने जो सवाल पूछा वो दुख नहीं है एक्चुअली अभी अभी थोड़ा सा अलर्ट हो रहा हूं मैं कि मतलब अगर हो रहा है वायरल तो वो भी मैंने अभी देखा वो तो 2013 में 12 की फिल्म है वो जब रिलीज़ हुई तो ये अभी धीरे धीरे लोग मुझे वो इंस्टा पे फॉरवर्ड करते जा रहे हैं तो तो मैंने मेरे वाइफ को पूछा कि कि यार मैं इतना पॉपुलर हो रहा बोले रोहित शेट्टी के साथ काम किया अभी उनकी एक क्लिप बहुत सोशल पे चल रही है जिसमें वो भागते हुए कैमरा से शूट करते हुए नजर आ रहे हैं उनके साथ काम कर रहे हैं कि सो एनर्जेटिक नहीं देखते होली है दिवाली है संडे है क्या है

मतलब वो जो पैशन होता है जैसे कि रोप को पैक करके ऊपर से नीचे आने से लेके ये सारा वो खुद करते हैं मतलब ये रोहित सर कमाल है आज मतलब आपको लगेगा कि मेरी फिर मतलब मुझे वो मौका मिला नहीं आज जो भी हूँ वो सिमहम के सिंघम के सक्सेस से वजह से मैं आज आपके सामने हूँ मेरे अच्छे काम की वजह से मैं प्रयास करता हूँ उसकी वजह से लेकिन वाकई रोहित सर के अंदर की जो एक एनर्जी लेवल है उनकी मतलब अपने काम को लेकर भी और सारे यूनिट के कनेक्शंस की साथ भी जो मतलब लोगों के साथ जो उनका कनेक्शन है बड़ा कमाल का है। कमाल और यही सिनेमा भी नज़र आता है उनकी फिल्में भी वो सारी चीज़ें दिखाई देती है और बाद में कुदरत तो सपोर्ट करती है सर आप दोनों ने ना वेलिन के किरदार खूब किए हैं अपने करियर में जैसे अगर मैं आपके खल चरित्रों की बात करूं तो इक्का सेठ जो है वो जल के मर जाता है मिर्ची सेठ को जेल हो जाती है तो इस तरीके से जो विलन के किरदार होते थे उनका अंत दुखद दिखाया जाता था लेकिन आज के सिनेमा में एक ट्रेंड सा हो गया कुछ फिल्मों में ऐसे आ, हीरो ही विलन है वाला टाइप का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं चाहे वो मिर्जापुर की बात करें या एनिमल की बात करें अभी कुछ दिन पहले शाहरुख ने भी ये बोला था कि अगर मैं किसी फिल्म में एक खराब व्यक्ति का किरदार निभा रहा हूँ तो आई एल मेक श्योर कि उसका अंत खराब हो लोगों को वो पता चले कि इसका अंत खराब है तो ये जो चेंज इन सिनेरियो हो रहा है आप इसे कैसे देखते हैं नहीं क्योंकि विलन्स भारतीय सिनेमा में अब आ ही नहीं रहे हैं भारतीय सिनेमा में उस तरह का प्रयोग नहीं हो रहा है विलेंस के रोल लिखे नहीं जा रहे हैं अब गब्बर और लायन पैदा नहीं हो रहे हैं अब मोगैम्बो पैदा नहीं हो रहा है अब रोल लिखे नहीं जा रहे हैं जागीरा लिखा गया था बहुत दिनों के बाद या अब एक दो कैरेक्टर और आए थे लेकिन अभी तो जो विलेन अगर लिखा भी जा रहा है तो कोई हीरो ही कर ले रहा है उसको तो इसलिए लिखा गया, हाँ। सिंगम। वो लिखा गया। तो वो इसलिए जब तक लिखा नहीं जाएगा तब तक एक्टर्स आएंगे कहाँ हमेशा अच्छे एक्टर आते थे एक इस तरह के डायमेंशन को लेके तो फिल्म इंडस्ट्री और स्क्रिप्ट को जो एक डायमेंशन मिलना चाहिए एक नया आयाम मिलना चाहिए अभिनय का एक अलग स्तर मिलना चाहिए वह स्तर नहीं मिल रहा है बहुत ही सचुरेशन पे है हीरोज विलन का रोल कर रहे हैं लेकिन बहुत ही सचुरेशन मामला है अभिनय का मामला उत्कर्ष पे नहीं है कि इनके करने से वो स्तर हो गया अभिनय का ना जो गब्बर सिंह ने जो विलन का स्तर ले गया या मोगैम्बो अमरीश जी ने जो ले गए या जो लॉयन अजीत ने जो लेबल पे ले गए थे वो वो बाद में हुआ नहीं hmm. बाद में रोल लिखे जाते रहे अगर क्योंकि चाइना गेट आया था जागीरा आया था या जोगी ठाकुर जोशीले में राजेश विवेक आए थे उस तरह से लोग आए थे लेकिन वो फिल्में उस तरह से नहीं हुई हाँ भी नहीं हो पाई लेकिन जो क्रिएट होना चाहिए कैरेक्टर्स जिसको युगों तक याद रखा जाए hmm. आज क्रूर सिंह कहा hmm. आज टेलीविजन में भी देखिए टेलीविजन की हालत है कौन याद रखता है इतने टेलीविजन सीरीज आ रहे हैं और इतनी चीजें लिखी नहीं जा रही हैं उस तरह का एक्टर भी प्रयोग नहीं कर पा रहा है क्योंकि समय भी नहीं है टेलीविजन सीरीज में तो बिल्कुल ही समय नहीं है सिनेमा में तो रोल ही नहीं लिखे जा रहे हैं अभिनय की बात छोड़ दीजिए आप सर तो ये लिखाई के एंड पे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कम पड़ रहा है या किरदार करने वाले की तरफ से कुछ कम पड़ रहा है नहीं बिल्कुल लिखाई में कमी है लिखाई में बिल्कुल कमी है उस तरह के चरित्र लिखे नहीं जा रहे हैं जो चरित्र अगर लिखते थे सलीम जावेद जो चरित्र का चरित्र चित्रण करते थे जिस लेवल पे कैरेक्टर्स को हाइट देते दे थे जिस तरह से कि एक गब्बर आता है और गब्बर मार खा के चला जाता है इतना बड़ा विलेन और पता चला कि तुरंत उसका फ्लैशबैक संजीव कुमार के जरिए संजीव कुमार कहानी सुना रहे हैं इन दोनों को का गन क्यों नहीं उठाया तो पता चला वो गब्बर का टेरर आ रहा है कि पूरे परिवार को गोलियों से बूंद दिया तो कैरेक्टर लिखा जाता है और उस तरह से उस कैरेक्टर का बिल्ड खड़ा होता है तो विलन जब आता है तो विलन क्या है फिल्म का वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा तत्व है उस तत्व वो तत्व तो मिसिंग है कहीं ना कहीं हीरो कितना भी कर ले विलेन के परफॉर्मेंस को उस लेवल तक नहीं पहुंचाएगा कहीं ना कहीं उसका हीरोइज्म का मामला पॉजिटिविटी उसमें दिख ही जाएगी हाँ, तो क्या कहीं ना कहीं कही? अब इससे ऐसा हो रहा है सर कि विलेन को भी हीरोइक बना के पेश कर दिया जा रहा है कुछ फिल्मों में मेरी जो एक अपनी मेरी अपनी थॉट प्रोसेस में शेयर कर रहा हूँ क्योंकि थिएटर हमारा बैकग्राउंड है इनका भी है मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ कि अभी कहानी लिखने का जरिया ये पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी लिखी जाती है ओके okay? किसी बुज़ुर्ग डायरेक्टर ने किसी जमाने में ये स्टेटमेंट किया था कि सिनेमा की कहानी ऐसी हो जैसे किसी उपन्यास का एक पन्ना मैंने पढ़कर उसको उल्टा कर दिया फिर दूसरा फिर तीसरा तो कहानी ऐसे पन्ने झलकने चाहिए मतलब एक एक पन्ना हम पढ़ के आगे निकल चले जाते हैं तो कहानी हमारे समझ में आती है तब उन वो जो उपन्यास की जो कहानी होती उन कहानियों में किरदार होते थे अब यहाँ किरदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानियां जब लिखना शुरू हो गया जहां तक ये चीजें जब बीच में आ गई तो फिर ये निगेटिव कैरेक्टर्स मरने लगे या तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक चीज़ में ही प्रॉब्लम होना शुरू हो गया कि कहानी में किरदार होता है किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानियाँ जब शुरू हुई तो थोड़ा सा सिनेमा भी बदलने लगा और फिर उसका नतीजा भी हम लोग देख रहे झेल रहे किसी ज़माने में जब हमारे नाना नानी जब हमें कहानी सुनाया करती थी तो हमारे साथ उनके नरेशन में उतनी ताकत हुआ करती थी कि हम विजुलाइजेशन कर सकते थे कि वो एक जंगल था एक राजा था एक रानी थी उनका एक सेनापति ऐसा था तो बचपन की वो जो कनेक्शंस थे हमारे तो बचपन में हमारी मानसिकता के हिसाब से अगर देखा जाए तो नाना नानी की नरेशन की वो ताकत ओके okay? तो वो नरेशन की जो कैपेसिटी है नरेशन की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है लिखावट के साथ साथ भी इसकी वजह से ये आपको अदरवाइज क्या कहते हैं उसे? पहले कहानी है बाद में किरदार है। क्योंकि कथा मिसिंग है कहीं ना कहीं कथा मिसिंग है कथाओं का देश है भारत इतनी कहानियां इतनी कथाएं हैं लेकिन हमको फिल्म बनाना होता है तो हम पश्चिम से ले आते हैं फिल्म और उसका कॉपी पेस्ट थोप देते हैं अभी तो हिंदी फिल्मों में तो दक्षिण की फिल्में आ रही हैं, उसका कॉपी पेस्ट हो रहा है अपनी लेखनी ओरिजिनलिटी है ही नहीं हालांकि है। है। नहीं नहीं। तो लेखनी पे काम नहीं होगा जब तक उन चीजों पे काम नहीं होगा क्योंकि पहले सिनेमा बनता था फिर फिल्म बनने लगी फिर प्रोजेक्ट बनने लगा फिर प्रपोजल बनने लगा अब पैकेजिंग होता है सिनेमा ने पैकेजिंग का रूप ले लिया है कि ये 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 मैटर हो ये ये चीजें हमारे पास ये हीरो हैं इस तरह का स्क्रिप्ट चाहिए हमारे पास ऐसा कुछ हो ऐसा हो नहीं हीरो चाहता है कि थोड़ा सा इस कैरेक्टर का शेड निगेटिव हो तो ऐसा कर दो तो वैसा कर दिया जाता तो इस तरह से फिल्में बनेंगी अगर तो फिर फिल्मों की आत्मा नहीं होंगी तो आप ये कह रहे हैं कि जो हीरो है वो कंट्रोल कर रहे हैं कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट को जैसे नहीं, आपने नहीं, तो सर सलमान शाहरुख आमिर तीनों के साथ काम किया है तो मैंने, क्या मैंने सबके साथ हुँ. काम किया है और अच्छी फिल्में की हैं हमने लेकिन अब जो हालत हो गई है हुँ. कि कहीं ना कहीं ये चीज मिसिंग है हुँ. बल्कि क्षेत्रीय सिनेमा का वर्चस्व बन रहा है मराठी हाँ. हो तमिल हो तेलुगु हो कन्नड़ हो मलयालम हो असमइज हो पंजाबी हो यानी कि हरियाणवी कमाल फिल्म है जो हरियाणवी बैठी हुई थी तो ये कमाल कमाल फिल्में बना रहे हैं क्षेत्रीय फिल्मों की इस तरह से वर्चस्व हो रहा है एक एक मतलब एक, एक लाख भी लोग नहीं है एक भाषा को बोलने वाला मैथी या कुछ भाषा बोला जाता है आसाम का और उस पर एक फिल्म बनी एक आप ही जैसी एकदम यंग फिल्म मेकर ने फिल्म बनाई और उस फिल्म से इफी की ओपनिंग हुई दो साल पहले उस फिल्म को तो ये वर्चस्व है सिनेमा का ये ताकत है कि उसने उस ओरिजिनल कहानी पे बनाई तो आज क्षेत्रीय फिल्मों का जो वर्चस्व है जो सिनेमा जो देखने के लिए मिल रहा है वो क्षेत्रीय फिल्मों में बहुत कमाल बन रहा है बल्कि मेन स्ट्रीम में, में। सर आ, हाँ, मुद्दे के बाद अभी यह है कि अभी ये जो छह नौ पांच है फैक्ट ये कहानी है हाँ। ये हमारे देश के संस्कृति की कहानी है ये हमारा इतिहास है जो हमारे पूर्वजों से कनेक्टेड है अब ये कहानी में हम लोग किरदार के रूप में है हाँ कहने के लिए मैं मेन लीडिंग कैरेक्टर मुझे मिला है ये मेरे सौभाग्य की बात है लेकिन ये स्वार्थ थोड़ा सा पीछे कर दूँ और मुद्दे पे अगर आऊँ तो मैं यही कहूँगा कि छ नौ पाँच ये कहानी है हमारे अस्तित्व की हमारे हमारे मिट्टी की कहानी है और इस कहानी के अंदर हम जैसे किरदार और हम जैसे वो किरदार है जो उस समय कुछ, थे कुछ उस समय थे कुछ लोग 83 तक जैसे रामचंद्र दास परपंस 82 तक वो लड़े इस विवादित जन्मस्थान के लिए राम राम जी के लिए तो ये क्यूरियोसिटी है हमारे लिए इसके अलावा और क्या-क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं सर आप दोनों के आने वाले समय में मेरा बता देता तो हूँ मैं हाँ। मैंने एक फिल्म लिखी हाँ। उसको मैंने डायरेक्ट किया मैंने परफॉर्म किया वो महाराष्ट्र के बाहर कहीं इंटरनेशनल फेस्टिवल में मैंने उसका सबमिशन किया था तो मुझे नेपाल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसको बेस्ट फिल्म का उसे अवार्ड मिला रांची के फेस्टिवल में मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला आ, हमारे एक चरित्र डॉक्टर मोहन आगाशी साहब ने निभाया उनको सपोर्टिंग एक्टर का मिला हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर मंगेश धाकड़े उनको भी मिला जननी उस मेरे मराठी फिल्म का नाम है जो मिट्टी पानी देसी गाय और फीमेल ये उसका कनेक्शन है तो जल्द ही मार्च तक प्रदर्शित होगी ये मेरा और और कुछ दो चार प्रोजेक्ट है जो लाइनअप में है जी आपके साथ। uh, मेरी अगर बड़ी, बड़ी फिल्म लोग तो वही चाहते हैं कि बड़ी फिल्म कौन सी आ रही है तो बड़ी फिल्म की बात करें तो एक फिल्म आ रही है इंडियन टू कमला हासन के साथ शंकर डायरेक्टर हैं उसके और एक फिल्म हमने नीलेश जैन के साथ की है नए लोगों के साथ पीएमटी कोचिंग एक अभी कॉमेडी फिल्म हमने गुलगुले बकावली राज आंसू की कंप्लीट की है तो ये सारी चीज़ चल रही बाकी थिएटर चल रहा है हमारा एक नाटक चल रहा है जो सोलो परफॉर्मेंस है स्वामी विवेकानंद का, का पुनर्पाठ जो कंटिन्यू मैं कर रहा हूं। जी। 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 एक तो सीन हमारा वायरल होता है चंद्रशेखर आजाद का लेजेंड ऑफ भगत सिंह का हाँ। जो आखिरी सीन जी है। जी जी वो वो हाँ। एकदम पूरा वीडियो उसका वायरल होता है लेकिन वायरल होता है ये आप कौन सा दिखा रहे हैं ये दो मीम्स आपके बहुत वायरल होते हैं खबरदार बाप है हमारे अच्छा ये और ये रेडी फिल्म का तो साला होना ही रेडी फिल्म का गंगा ये गंगा का जी ये तो साला होना ही था हाँ 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 ये ये अब जैसे तो मैंने अभी जिक्र किया हमने चर्चा की तकिया कलाम की तो इसमें तकिया कलाम ये वाक्य था कि ये तो साला होना ही था क्योंकि एक डीएसपी है और पूरे सिस्टम से ग्रसित है और वो मतलब कही कहीं ना कहीं हौलदार से प्रमोटेड होके डी बना है तो इसके रग रग में वही चीज़ें हैं

तो हम ये बात बोलते हैं कि खबरदार अगर हाथ लगाया तो बाप है हमारा तो ये एक पिता का जो इमोशन है जो परंपरागत पिता और पुत्र का ये वो है अब अब लोगों को ये इतना ना पसंद आया है एक्चुअली ये जब शॉट हुआ था तो कुछ छः सात सौ जूनियर आर्टिस्ट से थे सेट पे दो नंबर फ्लोर पे हम फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे बहुत बड़ा फ्लोर है क्लाइमेक्स चल रहा था और जब ये शॉर्ट दिया तो बहुत ज़बरदस्त तालियां बजी थी हम तो बहुत तो अब ये मीम बम बन गया है तो इस तरह के अब मीम बनते रहते हैं तो अब दर्शक हैं चाहने वाले हैं इनको कोई रोक सकता है हाँ। तो मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे काम को पसंद करते हैं ऐसे ही पसंद करते रहिए और हम करते रहें लेकिन सिक्स नाइन फाइव उन्नीस जनवरी को आ रही है अयोध्या मंदिर बनने की कहानी है वो इतिहास वो संघर्ष उस पर कहानी है पूरी फिल्म में सब कुछ समेटना मुश्किल नहीं है ढाई घंटे की फिल्म है लेकिन मूल तत्व जो है मूल संघर्ष जो है उसको देखने का आपको जानने का मौका मिलेगा तो सिक्स नाइन फाइव देखें नई पीढ़ी को तो अवश्य देखना चाहिए जी जी थैंक यू सो मच सर हमें समय देने के लिए थैंक यू सो मच आप स्टूडियो में आए बहुत सारी बातें हुई बहुत सारी करनी रह गई लेकिन कभी और मौका मिलेगा तो उन बातों को कंटिन्यू करेंगे आप लोग भी खुश रहिए स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा धन्यवाद